कराची अपडेट में आपको पता है मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करता हूँ, फूड स्ट्रीट के हवाले से बात करता हूँ, और मैं बात कर रहा होता हूँ कई काउंसलिंग के हवाले से, और मैं बात कर रहा होता हूँ वीज़ास और वीज़ास इशूज़ के हवाले से, और हर चीज़ों में बता रहा होता हूँ मैं फीस अब्दुल्ला कर रहा होता हूँ, और इसमें मैं किसी के साथ कई पैसे की लेन देन नहीं करता। जो बात करता हूँ, जो कैरियर काउंसलिंग करता हूँ, जो गाइडेंस करता हूँ, जिस टॉपिक पर मैं बात करता हूँ, मैं फीस अब्दुल्ला करता हूँ, और आज मैं हाज़िर हुआ हूँ बताने के लिए आपको कराची अपडेट। कराची अपडेट में जो है मैं आज नई चीज़ लेके आया हूँ, और आपको अपने चैनल पर जितने भी कराची की फूड स्ट्रीट के साथ साथ जितने भी स्ट्रीट पे होटल बने हुए हैं, ख़ासतौर पे कोटा चाय होटल, उन सब की आपको अपडेट दूंगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो है मैं मौजूद हूँ एक होटल पे जिसका नाम न्यू हाजी वली होटल है, और समझे कि एक कराची की बहुत ही मशहूर जगह फेडरल गेंदिया ब्लॉक 1 में मौजूद है ये होटल। अगर आपको चाय पीनी है, आउटस्टैंडिंग चाय, और ऐसी चाय जो कि आप समझते हैं कि यार इससे पहले आपने कहीं नहीं पी, तो वो चाय पीने के लिए आप आ सकते हैं न्यू हाजी वली होटल बाबर स्क्वायर, जो कि फेडरल मीडिया ब्लॉक 1 में है, सामने ही दुपट्टा गली है। मैं उन सब लोगों से मुखातिब हूँ जो अक्सर आते हैं पेंटिंग करवाने, जो अक्सर आते हैं दुपट्टा गली दुपट्टा लगवाने, जो बहनें और जो बेटियाँ आती हैं वैक्सीन में सामान लेने दुपट्टा गली आती हैं, जो करीमाबाद आता है, जो पेंटिंग करवाने आता है, तो कार्सपिन करवाने आता है, तो मैं कहूँगा मैं रिकमेंड आपको लोगों को करूँगा कि आप यहाँ आएँ तो करीमाबाद की इस होटल पर आके चाय जरूर पिए। ये होटल बहुत पुराना बना हुआ है, और इस होटल की खास बात है कि ये जो हाजी हाजी वली होटल है, इसके जो मालिक हैं वली भाई, और यहाँ जमाल भाई भी होते हैं, और सामने आप देखें ये बनियान रंग खड़े हुए वली भाई हैं हमारे, और इनके हाथ की चाय बहुत आउटस्टैंडिंग है। यहाँ का चाय, यहाँ का पराठा, यहाँ के छोले, यहाँ का अंडा, यहाँ की मलाई, हर चीज़ आउटस्टैंडिंग है। तो हाईली रिकमेंडेड आप आए, आके जो है वो बैठे और चाय पिए। यहाँ अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ कट भी मिलती है, और यहाँ कुछ चैनल भी मिलती है। आपके दोस्त यार जो आप बैठना चाहते हैं कि यार मैं ऐसी जगह बैठे जो जगह सेफ़ हो, तो इससे ज़्यादा सेफ़ जगह नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर है जगह। और अच्छी बात ये कि अंडर पास की वजह से अब रास्ता जो मुतबादल नहीं था, तो यहाँ आके बैठे आराम से, तो आपको आराम से जो है ईज़िली जो है वो सिक्योरिटी का मसला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ आराम से 70 वाली चाय मंगाएं, 2 70 वाली चनक मंगाएं, 2 कट निकलेंगे फिर आराम से बैठ के पिए, वरना 50 वाली कट पिए आप। तो यहाँ ऐसी अच्छी बात है कि अगर आप किसी अगर आप चाह रहे हैं कि मैं यार अब 20-25 लोगों को खाना खिलाऊँ या नाश्ता कराऊँ, तो अगर इनसे आगे बात करेंगे आप यार जो छोटे वाले कब होते हैं चनक वाले, उसमें आप चाय दें पराठा दें, तो ये आपको पूरा पैकेज बना के दे देंगे। तो आप आएँ, हाईली रिकमेंड है, आके आप यहाँ से चाय पिए, और यकीनन आप जब चाय पिएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो कोशिश करें कि जो है वो आप आए करीमाबाद, जब भी आप आना हो कटे भैया ब्लॉक पर आना हो, तो इन्हीं हाजी वली होटल चाय पराठा जरूर लें। आप आलमगीर होटल को भूल जाएंगे, आप कोटा चमन चमन होटल को भूल जाएंगे, आप प्यारा होटल को भूल जाएंगे इनके सामने। इनका बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है वो चाय है, आउटस्टैंडिंग पराठा है, आउटस्टैंडिंग जो है इनकी जो है वो छोले और बाकी चीज़ें हैं। तो फाइनल के मिनट आप अपडेट दीजिए कि आप की क्या राय है। आप देख रहे हैं कि सामने चैनक की 50 वाली चैनक है, और सॉरी 50 वाला कट है, और आप चैनक ले जाएंगे 70 रुपये की चैनक में आपको इतने बड़े 2 कप मिल जाएंगे। तो ये हाजिर हुआ हूँ मैं चाय के होटल पे, और ये चाय है न्यू हाजी वली होटल, बहुत पुराना होटल है, लोग बचपन से बूढ़े हो गए, यहाँ दादा नाना बन गए, और इनकी चाय पीते हुए लोग बढ़ गए। और ख़ास बात इस होटल की ये है कि बहुत पुराना होटल है, मेन फेडरल मीडिया ब्लॉक 1 में मौजूद है। जब भी आप दुपट्टा गली आएँ या डिफ्रेशन का सामान लेने आएँ, मीना बाज़ार आएँ, फसल बाज़ार आएँ, आप इस जगह चाय मौजूद आएँ। सुबह 5 बजे खुल जाते हैं और रात 11 बजे तक खुला रहता है होटल। तो ये अपडेट है कराची अपडेट होटल के हवाले से, और यह है फेडरल मीडिया ब्लॉक 1 चैप्टर। तो उम्मीद करता हूँ
आपके जो अपडेट है हमें काफ़ी काम आएगी। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।